इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। के अमनों सलामती के लिए काम कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी इदराक है कि हमें सिर्फ भारत को कंट्रोल करने या ना करने के हद तक ही अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, हमें अपने दीगर अवाबित भी उसके साथ बेहतर बनाना होंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि अमेरिका ही वो वाहिद मुल्क है जो कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी तखरीबी कार्रवाई करने से रोक सकता है, राजी कर सकता है, तो क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि अमरीका ऐसा कर सके। इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी बताएगा कि अमेरिका ऐसा कर सकता है और ऐसा करने पर मतलब क्या हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर हैं कि वो हमारे लिए ये कदम उठा ले। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना आप, अमेरिका पाकिस्तान के बारे में, उस पाकिस्तान के बारे में जिसके दो टुकड़े करने में अमेरिका खामोशी से देखता रहा, वो मुल्क जो यूनाइटेड नेशन बनने के बाद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और अमेरिका देखता रहा खामोशी से। क्या रोल था अमेरिका को उस वक्त? क्या अमेरिका के तल्लकात आज के मुकाबले में उस वक्त आपके साथ बेहतर नहीं थे? क्या आप उसके ज्यादा हलीफ नहीं थे उस वक्त? मैं तो हैरान हूं कि हमारे सफीर क्यों ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने के आदी हो गए, जिसको साबित नहीं कर सकते हिस्टोरिकली और प्रैक्टिकली। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? फिर हमने देख ली सबकी अमेरिका की दोस्ती, और बड़े वाजे तौर पर देखिए, जब अमेरिका के मुफाद में था कि हम रूसियों को इस इलाके से निकालें तो वो हमें सर्टिफिकेट देता रहा कि हम एटम बम नहीं बना रहे, प्रेसल अमेंडमेंट को रोके रखा, उसका इतलाक हमारे पे नहीं होने दिया तब तक जब तक हम उनके मुफाद में जंग लड़ रहे थे। हम उस अमेरिका की बात को मानू, मैं तो नहीं मानता। ये जो आपके सफीर साहब गए हैं, मैंने तो नाम ही पहली दफा जिंदगी में सुना है, इन्हीं को मुबारक हो। मिले होंगे ना किसी निचली सतह के अफसर को और मुतासर हो गए होंगे, कुछ काम शाम भी होंगे उनको। खुदा का खौफ करें, जिम्मेवारी का एहसास दें। क्यों इस किस्म की गलत बयानियां करके पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? आप अपने आप को मजबूत करें, अपने कदमों पर खड़े हों, अपनी इंटरनल पॉलिसीज को क्लियर करें, एक कौम के तौर पर इमर्ज करें। हमें किसी अमरीका की जरूरत नहीं होगी। क्या एक एटमी ताकत को अमेरिका की जरूरत है? हद कर दी है। कौन साहब है ये? मैं तो जानता भी नहीं है कब गए हैं और किस कौन सी है? इज ये प्रोफेशनल डिप्लोमेट और कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही है? डॉक्टर साहब, आपने सुना, मोना कह रही है कि अफगान पीस प्रोसेस के सिलसिले में पाकिस्तान के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है, एक बोझ है जो पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अपने कंधों पर उठा रखा है। एक ये भी रास्ता है जो होकर जाता है कि हम कह सके कि हाँ, हमने ये किया, अब आपका भी वक्त है हमारे लिए। पहले अमरीका के लिए तो बड़े बोझ हमने उठाए हैं माजी में और उसका फिर हमने जो भी खामियाजा था वो भी भुगता है। आपके जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के जरिए भारत की मुदाखलत पाकिस्तान में रुकवा सकता है, इसका जवाब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं। क्यों? कि किसी की भी मुदाखलत रोकने की बुनियादी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर आती है। मसलन 1965 की वॉर थी, हम इस काबिल थे कि भारत का हमला लाहौर पर रोक सकें, हमने भारत को लाहौर में घुसने से रोक दिया, हालांकि अमरीका ने सप्लाई बंद कर दी थी, सब कुछ था, लेकिन हम इस काबिल थे। 71 में हम नहीं कर सके, हमें हथियार डालने पड़े और हम इंतजार करते रहे कि अमेरिका का जो बेड़ा है वो आ रहा है, सातवां बेड़ा वो नहीं पहुंचा और हमारा आधा मुल्क अलग हो गया। तो इन दो मिसालों से क्या वाजे होता है? इन दो मिसालों से बिल्कुल वाजे होता है कि अगर आप खुद मजबूत हैं तो आप किसी की मुदाखलत रोक सकते हैं। अब यहां पर हमारी अपनी जिम्मेदारी आती है ना, एक तरफ तो देखें, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है ना, एक गांव है, हम गांव में रहते हैं, हम एक दिन तो ये दावा करते हैं कि जी हम बहुत मजबूत हैं, हमारा दिफा मजबूत है, अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से उठाकर देखा तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे, हम ये नहीं करेंगे, और फिर उसके अगले दिन हम उसी गांव में निकल के शोर मचाते हैं कि देखो पड़ोसी हमारे घर में कूद रहा है, तो अब दुनिया हमारी क्या सुनेगी? वो कहेगी यार तुम एक दिन एक बात करते हो, दूसरे दिन दूसरी बात करते हो, तो मोहल्ले वाले जो हैं वो क्यों हमारी तरफ से मुदाखलत करेंगे जब हम खुद कह रहे हैं कि हमारा दफा बहुत मजबूत है? जब मजबूत है तो फिर भाई रोक लो ना उसको।
जब नहीं रोक पाते तो फिर आप दुनिया की तरफ देखते हैं। अमेरिका को तो छोड़ दें, आप सऊदी अरब और यूएई की मिसाल लें। अभी बात की गई कि हमारे बड़े तजुर्बेकार वजीर खारजा हैं, उन वजीर खारजा का ये हाल है कि जब वो दुबई जाते हैं एक रोजा दौरे पे तो वहां यूएई जाते हैं तो यूएई के हुक्मरान भी उनसे नहीं मिलते। वो मिलकर आए हैं दुबई के हुक्मरान से, वहां दो फैमिली है, एक मखतूम फैमिली है और एक जायद फैमिली है। फैमिली जो है वो अबू धाबी में है, मखतूम फैमिली दुबई में है। ये जाके सिर्फ वजीर खारजा से मिलकर आ गए, जो वीजों का मसला था वो तक नहीं हल करवा सके। हम पिछले डेढ़ साल में कश्मीर के मसले पर एक ओआईसी का इजलास हम सऊदी अरब के जरिए नहीं बुलवा सके। अच्छा, ये क्यों सका? इसलिए नहीं हो सका कि हम जब जाते हैं हमारे पास दो चीजें होती हैं। दुनिया के पास हम जाते हैं, हम एक पड़ोसी के पास जाते हैं, हमारा दो काम होते हैं, एक उनसे पैसे मांगना, दूसरे हमारे तीसरे पड़ोसी के खिलाफ बातें करना। अच्छा, अब इससे दुनिया दिख आ जाती है। वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास और कोई बात करने के लिए नहीं है, तो जब हम पड़ोसियों के साथ मुसलसल ये शुरू करेंगे तो पड़ोसी हमारी बात नहीं सुनेंगे। अल्टीमेटली हतमी तौर पर किसी की मुदाखलत रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपका पॉइंट क्लियर हो गया। मैं आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक चीज यहाँ पर वजाहत के साथ पेश कर दूं कि दिफा वाकई हमारा मजबूत है और हमें इस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। हमारी अस्करी क्यादत दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी सिविल क्यादत की है जिसमें हमारे सफारतकार शामिल है, जिसमें हमारी वजारत खारजा का रोल भी शामिल है। मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बताएगा ये ऐसा करने के लिए पाकिस्तान राजी कर सकता है अमरीका को, आगे से अमेरिका ऐसा करेगा पाकिस्तान के लिए? देखें, पहली बात तो यह है कि बेशक हमारा दिफा बहुत मजबूत है, फिर भी आलमी रायामा किसी भी जंग के हवाले से, किसी भी तनाजे के हवाले से बहुत अहम होती है। ऐसी बात नहीं है कि आप खुद को सच्चा भी माने और दुनिया आपको झूठा कहे और आप कहें नहीं देखें मैं तो सच्चा हूं, दुनिया मुझे झूठा कहती भी रहे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सच्चा हूं। आपका सच दुनिया को भी इस बतौर सच नजर आना बहुत जरूरी है आज के दौर में। सिर्फ आपका आपको खुद पे यकीन होना कि मैं सच बोल रहा हूँ ये भी अहम है, लेकिन साथ साथ दुनिया को भी ये यकीन होना कि आप सच बोल रहे हैं और आपका मौकफ दुरुस्त है वो भी उतना ही अहम है। लेकिन आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर बात कर रहे हैं, कोई उनसे बात पूछ सकता है कि भाई अगर अमेरिका हमारे साथ होता तो हम आज तक फैटफ की ग्रे लिस्ट में होते? अगर अमेरिका हमारे साथ होता तो क्या सऊदी अरब ने हमसे यूं पैसे वापस ले लिए होते गन पॉइंट पे? अगर अमेरिका हमारे साथ होता तो यूएई में हमारे वीजे बंद होकर इंडियंस के शुरू हो गए होते? ये सब चीजें जाहिर करती हैं कि अमेरिका हमारे साथ नहीं है। लेकिन अगर सफीर साहब आज भी अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, वो ये बयान देने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट साबित करने के लिए ये कह रहे हैं, हालांकि उनका तो परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए पिछले एक साल में जो अमरीका ने हमारे साथ किया है, जो हमने अमरीका के साथ किया है और जो अमरीका ने हमारे साथ किया है, इस पर तो पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी और फॉरन पॉलिसी जो जिम्मेदारान है उनका एहतसाब होना चाहिए कि हमने अफगानिस्तान में क्या डिलीवर किया है और जवाब में अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया है, हमने अमेरिका को क्या डील निगोशिएट करके दिए और उसने फैटफ में क्या किया है, हमने अमेरिका के साथ क्या किया और उसने आईएमएफ में हमारे साथ क्या किया है। तो ये बातें हमारी खारजा पॉलिसी की, जो आपने अपने इंट्रो में कहा भी कि दिफा हमारा मजबूत है, मेरे पास बंदूक भी है, एटम बम भी है लड़ने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि मुझे दुनिया की हमायत दरकार है अपने आप को, अपने मौकफ को दुरुस्त साबित करने के लिए। पुरमन मुल्क, हम पुरमन मुल्क है ये हमारा कहना है, हम नहीं है, दुनिया कहे कि हम पुरमन मुल्क है तो हम पुरमन मुल्क है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं ये हमारा कहना उतना अहम नहीं है जितना दुनिया। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो होता है खत्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो अब करते हैं वीडियो के बारे में बात। तो जो पाकिस्तान के अमेरिका में डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि भैया भारत का जो अग्रेशन है हमारे खिलाफ उसे कम करने में हमारी मदद करो, भारत हम पे कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और ऐसा उन्होंने सोचा कि अमेरिका ही बैक करता है भारत को ऐसा कुछ करने में, मतलब पाकिस्तान गलत फहमी में है। भारत इतना स्ट्रांग है कि किसी देश की भारत को ज़रूरत नहीं है। भारत जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है उसके बाद सारे देशों को अपने संपर्क में लेकर बताता है कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इन पैनलिस्टों को आपको सुनकर अंदाजा लग गया होगा कि इन पैनलिस्टों ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर भारत हम पे सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है भारत को रोकने की, और अमेरिका ऐसा करेगा भी नहीं क्योंकि अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका बोलेगा और ठोको। आपने पाकिस्तान के पैनलिस्ट को बोला कि हम इतने बेकार या बेवकूफ़ नहीं हैं कि अमेरिका हमारी मदद करे और भारत
अब मोदी के अंडर में है तो भारत बड़े कदम लेगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में टेररिज्म अटैक करने की कोशिश करते हैं, भारत में बम ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, भारत में प्रॉक्सी वार करने की कोशिश करते हैं, तो भारत ऐसा ही कुछ बड़ा कदम लेगा। हालांकि पाकिस्तान की इस मोना आलम का मैंने पूरा पोर्शन अपलोड नहीं किया है, ये बड़ी बकवास एंकर है। मोना आलम ऐसी बकवास करती है कि इरिटेट करती है एक्चुअली में, तो इरिटेशन के कारण और सच भी नहीं बोलती है, तो मैंने इसका पोर्शन अपलोड नहीं किया है। हालांकि आपने जो बाकी पैनलिस्ट हैं इनको सुना, इन्होंने कुछ हद तक सच बोलने की कोशिश की है। इन्होंने बोला है कि अमेरिका कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। जब आपको आपके देश को तोड़ा जा रहा था, आपकी जब फौज ईस्ट पाकिस्तान में जुर्म कर रही थी, उसके बाद भारत की फौज वहां बचाने गई, तो वहां पर अमेरिका ने आपकी मदद नहीं की और भारत ने आपको तोड़ा मारा और आपको सबसे बड़ा सरेंडर कराया, उसके बाद आपके देश के दो टुकड़े हो गए। तो आपको अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी, यानी आपको खुद ही अकेले जूते खाने पड़ेंगे। इनडायरेक्टली ये बोला इन्होंने, कोई देश आपको मदद करने नहीं आएगा। रही बात चीन, चीन जिनको ये अपना नया बाप बोलते हैं, तो दोस्तों आपको पता है चीन को अगर कुछ करना होता तो ये जो लद्दाख पे स्टेटमेंट देता ये ले लेता, कुछ तो कर नहीं पाया। बस चीन हमेशा हर कुछ तीसरे दूसरे दिन में यहाँ घुसपैठ करता, वहाँ घुसपैठ करता, इसी तरीके की हरकतें चीन की होती हैं। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं खत्म। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, भले गाली दीजिए, जो भी लगे आपको दीजिए। बस धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।